Hi guys, welcome to Manure Education. In this video, we look at CMAT 2023 125 days preparation planning. Okay, complete strategy part I will be talking in this video. What are the pre-work you should start with, how many mock tests you should write, and what are the area where you should focus more. Okay, so everything we will look at in this video. So ye video thoda sa lengthy hoga. Do watch very carefully and share this video to all your friends, those who are targeting for the CMAT 2023 examination and want to end up with the best MBA colleges for their career. Okay, so October, November, December and Jan, ये 4 month का time बचा हुआ है आपके पास. September is about to end, so अभी September में roughly 8-10 days बचा हुआ है. ठीक है, तो whenever you are watching my this video, accordingly strategize your preparation. तो ये मान के मैं चल रहा हूँ कि ये आपके 120 days, 4-5 days यहाँ पे. तो आपका जो एग्ज़ाम है सीमैट का, मोस्टली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो फैब फर्स्ट वीक में होना चाहिए, और हो भी सकता है कि जैन एंड में हो, बिकॉज प्री कोविड जैन एंड के टाइम पे आपका सीमैट होता था, उसके बाद पोस्टपोन्ड हुआ वो फैब में, एंड कोविड में तो डिले हो गया काफ़ी. ठीक है, सो लुकिंग एट द टाइम लाइन, किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन. क्लासरूम एंड लाइव बोथ दी बैचेस वी हैव लॉन्च फॉर दी सीमैट, सो इनकेस इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर फॉर लाइव क्लास. एंड क्लासरूम को लेकर के यू कैन विजिट आर सेंटर बोरीवली, दादर एंड वसई. सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न. पेपर पैटर्न लास्ट ईयर चेंज हो गया है. जितने लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, काइंडली वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली. एंड मार्किंग वाइज भी दे हैव चेंज द सेक्शन. पहले 25-25 का सेक्शन होता, बट अभी उन्होंने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप करके अलग से सेक्शन ऐड किया, और वो 20 questions into 4 80 मार्क्स के लिए. So each section will be coming up for 2020 question for 2020 marks for 80 marks into 4 kar lo. Theek hai, so 4 marks if the question is right. If it is wrong then -1 ka negative marking hai. Ye ek CMAT ka drawback hai ki negative marking hai to aapko bahut carefully answer mark karne honge. Theek hai, and overall 3 hours time you will get for your paper. Okay, so CMAT mein apne paas time bahut hai. अपने को काम करना है एक्यूरेसी पे. सो कैट, सीमैट, सीईटी, ये तीन एग्ज़ाम तो हर किसी को लिखना ही चाहिए. दो जो आर टारगेटिंग फॉर द कैट, कैट के बाद जो मेजर कॉलेजेस हैं स्कोर एक्सेप्ट करते हैं वो है सीमैट. सीमैट के एग्ज़ाम का स्कोर मेजर कॉलेजेस इंडिया में एक्सेप्ट करते हैं. उसके बाद आता है सीईटी. सीईटी 1.16, दिस इज़ वॉट 45 to 50, एंड दिस इज़ वॉट 2 lakhs. This is what the competition. So the best part of CMAT is nothing but आपको accuracy पे काम करना है. आता है तो ही mark करो, otherwise don't go for the smart guesses. Otherwise don't go for the tukka and matka. Question versus time. Time आपको आराम से बहुत अच्छा time, 1 minute से ज़्यादा time मिलता है आपको एक question को लेकर के. Overall 180 minute है, 100 questions है, तो आपके पास 1 minute से ज़्यादा time है. आपको काम करना है सिर्फ और सिर्फ accuracy पे. क्वेश्चन पता होना चाहिए कैसे मुझे सॉल्व करना है, हाउ टू डील विद दी पेपर. सेक्शन का भी बेनिफिट है कि हर सेक्शन जो है वो इक्वल मार्क्स में डिवाइडेड है. मतलब जीके पढ़ा आपने, अगर आपको पता है तो विद इन 10 seconds आपका आंसर बन गया और उसके 4 marks मिले. बट भाई अगर मैथ्स का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, आप उसको सॉल्व करोगे उसके भी 4 ही मार्क्स मिलेंगे. तो हर सेक्शन का इक्वल मार्क्स है 4 marks, तो चाहे वो ईजी है चाहे वो डिफिकल्ट है. ठीक है, दूसरे सेक्शन में IFT में होता है कि सेक्शन वाइज मार्किंग जो है वो चेंज कर देते हैं. स्कोरिंग है सीमैट, नो डाउट स्कोरिंग है. अगर आपने 320 प्लस 320 से लेके 340 का स्कोर लेके आ गया आपने आउट ऑफ 400, तो यू विल गेट द बेस्ट कॉलेजेस फॉर योर करियर. ओके, देन डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट MBA कॉलेजेस फॉर योर करियर. नो स्पीड रिक्वायर्ड. CET की तरह भागना नहीं है सीमैट में. कॉलेजेस एज आई मैंशन 500 प्लस कॉलेजेस आर देयर हु एक्सेप्ट द सीमैट स्कोर. कॉम्पिटिशन वाइज इफ आई टॉक अबाउट 45,000 to 50,000, ये नंबर 55 से 60 भी हो सकता है. ये कंपटीशन है सीमैट को लेकर के. इसका जो बेस्ट पार्ट है, एज आई मेंशन, AICTE जितने भी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं इंडिया में वो सारे सीमैट का स्कोर लेते हैं. दैट इज़ वाई दो जो आर राइटिंग फॉर द कैट, दे डू अप्लाई फॉर द सीमैट. सीमैट तो लिखना ही चाहिए हर किसी को, मैं भी रिकमेंड करता हूँ. CET भी लिखना चाहिए. CET बट महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेजेस में आपको कॉलेजेस मिलेंगे, बट सीमैट के थ्रू पूरे इंडिया में और महाराष्ट्र वाले कॉलेज भी मिलेंगे. ठीक है, सो बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, थोड़ा सा बेस पे काम करना है. यू शुड डू द जिम वर्कआउट बोल लो, वार्म अप बोल लो फॉर इंग्लिश एंड जी के सेक्शन, लाइक वॉक बिफोर यू रन. ओके, सो इंग्लिश में स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वोकैब, स्टार्ट वर्किंग ऑन दी ग्रामर पार्ट. न्यूज़ पेपर रीडिंग विदाउट फेल आपको करनी ही करनी है. द हिंदू चालू कर दो, या तो फिर आप सीमैट के केस में आप इकोनॉमिक्स टाइम
करोगे तो भी ज़्यादा बेटर है आपके लिए, या तो टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। बट इसमें वोकैब का लेवल भी अच्छा ही होता है, तो वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी बुक, ठीक है, इतना काम करना है। न्यूज़पेपर के थ्रू आपका पेज वन जीके अपडेट हो गया, एंड एडिटोरियल पेज से आपका इंग्लिश वोकैब ग्रामर आरसी एवरीथिंग गेट इम्प्रूव, ठीक है। सो ग्रामर को लेकर के एवरी ऑल द वीडियोस ऑल द पीडीएफ्स गिवन ऑन योर मेन्यूअर पोर्टल, अगर आपके पास मेन्यूअर का पोर्टल का एक्सेस है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस या तो लाइव या क्लासरूम आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आपको वहाँ पे एक्सेस सारे मिल जाएंगे। वोकैब वर्ड पावर मेड इजी एज आई मेंशन, एंड रीडिंग हैबिट थोड़ा सा डेवलप करो फॉर इंग्लिश सेक्शन, एंड ग्रामर में आपका पंक्चुएशन तक पूछते तो वो भी करके जाना अच्छे से। जीके में स्टैटिक करंट अफेयर्स, स्टैटिक में आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इसके सारे हैंडआउट्स एंड वीडियोस आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे दिए हुए हैं। करंट अफेयर्स जैन मंथ से चालू करो, जैन 2022 से चालू करो, वन ईयर तक का करंट अफेयर्स करना है अपने को, मतलब जैन 2023 तक का करके जाना है अपने को। एंड सी मैट इज़ द काइंड ऑफ एग्जाम जिसमें जीके काफ़ी अनसर्टेन होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अच्छे से करके जाना, और डेली का 1 आवर मिनिमम और 1.5 आवर ये आपको जीके के लिए देना है, 1 घंटा या 1.5 घंटा दो। एंड इंग्लिश को लेकर के वोकैब आपका 20 से 30 मिनट्स, न्यूज़पेपर रीडिंग 1 आवर, एंड ग्रामर एंड वर्ड पावर मेड इजी, तो रफली 2 से 3 घंटा आपका जाने वाला ओवरऑल इंग्लिश एंड जीके की प्रिपरेशन को लेकर। सो ओवरऑल 2 आवर फॉर इंग्लिश एंड 1 आवर फॉर जीके, तो 3-3.5 घंटे आपको डेली बेसिस पे देना होगा। बाकी आपका जो सेक्शन वाइज प्लानिंग है, आफ्टर देन कम्स योर सिलेबस और जो सेक्शन वाइज प्लानिंग है, जैसे कि आपको क्वांट भी प्रिपेयर करना है तो उसको लेके भी प्लानर लो। अब इसको डेली एंड वीकली टास्क को मैं आगे बताता हूँ कि डेली क्या करना है और वीकली क्या करना है, बट अभी सिलेबस समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैथ्स को लेकर के लॉन्ग सिटिंग लगती है तो वीकेंड में मैंने डाला हुआ है। सो सिलेबस वाइज क्वांट एंड डीआई ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अरिथमेटिक, अल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन से बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल, ये सारे टॉपिक आपको डीआई के प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। जितने लोग का मैथ्स वीक है, आपको बेसिक आपका अच्छा करना पड़ेगा, तो आपको पहले तो बेसिक कैलकुलेशन, फिर आपका कंसेप्ट हर टॉपिक को लेकर के, फिर आपके मेन्यूअर की जो बुक है आपके पास, फर्स्ट 30 क्वेश्चन 2 बार कर लेना, मोर देन सफिशियंट हो गया। 50 क्वेश्चन दिया हुआ है बट फर्स्ट 30 क्वेश्चन मोर देन सफिशियंट फॉर द मैथमेटिक्स सेक्शन, ठीक है। सो प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, और उसके बाद आपको टॉपिक टेस्ट लिखना है, और फिर फुल लेंथ मॉक। फुल लेंथ मॉक हम थोड़ा सा बाद में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी के लिए आपका ये 4 स्टेप फॉलो करो, एंड वीकली एंड डेली रिविजन भी होना चाहिए आपका इंग्लिश में ऑल दिस टॉपिक। तो न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप कर रहे हो, वोकैब कर रहे हो, ग्रामर कर रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। लॉजिकल रीजनिंग मोस्ट स्कोरिंग एरिया है, अगर यहाँ पे अच्छे से काम करोगे, शॉर्टकट्स पता होगा तो काम जल्दी होगा। सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये होता है कि अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन जो आते हैं 2-3 लाइन के होते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और एक अरेंजमेंट पे एक ही क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा लेंदी होता है क्वेश्चन टाइप, बट इट्स ओके, मैनेजेबल है। ये सारे टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, ट्रेडिशनल लॉजिक के, वर्बल क्रिटिकल के एंड एनालिटिकल के, ठीक है। एंड आफ्टर दैन स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, तो स्टैटिक जीके तो डिटेल में कर लेना, कुछ भी पूछते हैं, और करंट अफेयर्स को लेके ऑल दिस टॉपिक, ठीक है। सो फॉर बोथ दी एरिया वीडियोस आपके पोर्टल पे दिया हुआ है, हैंडआउट्स दिया हुआ है, और जो आपके पास मेन्यूअर की बुक है स्टैटिक को लेकर के, इतना करके रखो। इतना करने के बाद भी आई रिकमेंड और भी रिसोर्सेज फॉलो करो, तो लूसेंट मैं रिकमेंड करता हूँ, लूसेंट की बुक येलो कलर की आती है, उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना। एंड लास्टली इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सेक्शन उन्होंने लास्ट ईयर कंपलसरी कर दिया था, इसके पहले जो था वो ऑप्शनल था, ओके। सो इसको लेकर के इफ़ यू हैव जॉइन लाइव क्लास और द क्लासरूम देन वर्कशॉप वी विल बी टेकिंग, और आपके मॉक में भी आपको इस टॉपिक को लेकर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेली वर्कआउट क्या होगा एंड वीकली वर्कआउट क्या होगा, क्या क्या आपको डेली बेसिस पर पढ़ना चाहिए और क्या क्या वीकली बेसिस पर पढ़ना चाहिए। यू कैन हैव योर ओन प्लानर, ओन टाइम टेबल, नॉट एन इशू, बट इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो दिस यू कैन फॉलो दिस वन, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट जो आपका है वो है जीके, जीके 1 आवर विदाउट फेल आपको करना ही करना है। अब ये आप स्टैटिक कर लो एंड करंट अफेयर्स कर लो, ऑल्टरनेट कर लो, चॉइस आपकी है। अगर 1.5 आवर कर रहे तो आधा घंटा आपने करंट अफेयर्स दे दिया, स्टैटिक को 1 घंटा दे दिया, या 45 मिनट्स में आप डिवाइड कर दो, ठीक है। दिस इज़ वन। सेकेंड न्यूज़ पेपर रीडिंग, ये आपका आराम से 1 आवर जाएगा। एंड देन ग्रामर, अराउंड 20 से 30 मिनट्स का टाइम ग्रामर, देन
जो भी टॉपिक आप करने वाले हो, फॉर एग्जांपल आपने एक वीक में आपको कोशिश करना है कि कम से कम दो मैथ्स के टॉपिक, एक रीजनिंग के टॉपिक, 1.5 रीजनिंग के टॉपिक, इंग्लिश वन टॉपिक एंड जीके का एटलीस्ट 1 आवर टू डेली बेसिस पर आपको देना ही देना है, इतना काम करना है। सो जो भी टॉपिक आप वीक में करने वाले हो, मैथ्स का हो गया, रीजनिंग हो गया, उसका थियरी प्लस 4 to 5 ईजी लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको बुक से, जो भी बुक आपके पास है, अगर मैनुअल की बुक है आप वो भी रेफर कर सकते हो। वर्ड पावर मेड इजी बुक, ठीक है, अराउंड 20 से 25 मिनट्स में एक सेशन हो जाएगा आपका, 45 सेशन है, आराम से आपको 2.5 महीने में बुक कवर हो जाएगी, वो कैब आपका अच्छा हो जाएगा। सो 1 आवर 2 आवर देन दिस इज़ वॉट 3 आवर्स, सो रफली 3 आवर्स का टाइम, 3 to 3.5 आवर्स का टाइम आपको डेली बेसिस पे वर्कआउट करना है, ठीक है। और वीकली बेसिस पे क्वांट के 2 टॉपिक आपको करने ही करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। उसमें भी आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, सो 2 टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, बुक से प्रैक्टिस करना है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने हैं आपको, टेस्ट लिखना है, रिवीजन करना है, मतलब वो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो आपको डिसाइड करना है, वीकेंड सैटरडे संडे आप ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे या वीकडे में आपके पास टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि एक वीक में आप 2 टॉपिक ख़त्म करो, लेट्स से कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशो आपने डिसाइड किया, उसका थियरी पार्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया, 4-5 इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक दिन मंडे ऐसा किया आपने, ट्यूजडे दूसरा टॉपिक कर लिया, फिर आप ऐसा करते करते एक दिन आप बैठोगे और बाकी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। मतलब जिस दिन आप प्रैक्टिस करने बैठोगे, लॉन्ग सिटिंग लगेगी आपको प्रैक्टिस के लिए 4-5 घंटे, उस दिन आपको टॉपिक चालू नहीं करना, आपने बेसिक ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन जो बचे हुए 20-25 क्वेश्चन हैं, और सारे क्वेश्चन को 2 बार करना है, 2 टाइम्स विदाउट फेल, बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट होगा आपके एग्जाम में, नंबर चेंज होंगे। तो आपके पास जो भी बुक है या मैनुअल की बुक है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर बुक अगर आपको चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, यू कैन ऑर्डर द बुक फ्रॉम देयर, वेबसाइट लिंक मैंने दिया हुआ है। इंग्लिश 1 टॉपिक, इंग्लिश आपका आराम से 2 महीने में हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजनिंग के 1.5 टॉपिक, तो लेट्स से कि मैंने आज सिलॉजिज्म किया और कोडिंग डिकोडिंग का आधा टॉपिक किया, ठीक है। एंड लास्टली इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो सेक्शन है, इसको लास्ट के 1-2 महीने के लिए रख दो, लास्ट के 1-2 मंथ पहले हम इसको प्रिपरेशन चालू करेंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपका जीके अगर अच्छा है तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे अच्छा कर जाओगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डेली टास्क एंड वीकली टास्क विच यू हैव टू परफॉर्म। 2 टॉपिक आपको मैथ्स के करने ही पड़ेंगे, इंग्लिश के 1 टॉपिक एंड रीजनिंग के 1.5 टॉपिक। अब उसको आप वर्कआउट वीकडे में डालो या वीकेंड में डालो, चॉइस आपकी है, बट हाँ जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका रिविज़न अपने को करते ही रहना है। टाइमलाइन वाइज इफ आई टॉक अबाउट, सेप्टेम्बर इज़ अबाउट टू एंड, तो और फैब में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका एग्ज़ाम रहेगा सीमैट का, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीना इतनी मेहनत करो कि पूरा सिलेबस ये 3 महीने में ख़त्म कर दो। जनवरी अपने पास बोनस में होना चाहिए, बोनस में इसलिए होना चाहिए कि इसमें हम मॉक ज़्यादा लिखेंगे, एनालिसिस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें हम जान में करेंगे, तो अपने को ये मान के चलना है कि अपना एग्ज़ाम जान में, सिंपल। अगर एग्ज़ाम वैसे भी फैब में ही होगा तो आपको 1 महीने का जो टाइम है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो आपके स्कोर के एनहांसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मॉक लिखना है, जीके वर्कआउट करना है, इंग्लिश करना है, रिविज़न करना है। इंग्लिश अगर आपका वीक है तो कम्युनिकेशन पे भी काम करना चालू कर दो, बिकॉज एग्ज़ाम के बाद GDPI होगा जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। एंड प्रिपरेशन वाइज 4 स्टेप यू हैव टू फॉलो इफ़ यू हैव ज्वाइन मैनुअल लाइव क्लास और द क्लासरूम। Step 1, वीडियो लेक्चर्स आपको देख के आना है बिफोर यू कम फॉर द क्लास, आपने जो भी क्लास ज्वाइन किया है क्लासरूम या तो लाइव क्लास। Step 2, फिर आप क्लास के लिए आओ। Step 3 में क्वेश्चन लेक्चर के बाद जाके बुक से प्रैक्टिस करो, टॉपिक टेस्ट, उसके बाद लिखना है Step 4। सो आई होप दिस इज़ क्लियर गाइस, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द CMAT 2023। CMAT एग्ज़ाम को हल्के में मत लो या लाइटली मत लो, एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट बहुत ईजी भी नहीं है, एंड आराम से अच्छे से प्रिपरेशन की तो आपका स्कोर भी अच्छा आएगा और अच्छा कॉलेज भी आपको मिलेगा, ठीक है। सो इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर द क्लासरूम कोचिंग, इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड देन यू कैन विजिट आर सेंटर बोरीवली वसई एंड दादर, बट इफ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड देन यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन लाइव क्लासेस। दिस इज व्हाट द नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम, दे विल गाइड यू विद रिगार्ड्स टू द बैचेस। एंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन प्री रिकॉर्डेड वीडियोज, बुक्स, मॉक टेस्ट, सो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। अलग एक चैनल है MBA एंट्रेंस को लेकर के, मैनुअल MBA एंट्रेंस, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे आपको MBA स्पेसिफिक सारे वीडियोस मिलेंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी कनेक्ट हो जाओ, जहाँ पे GK अपडेट, क्विजेस, बहुत सारे नोटिफिकेशन, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी।
So all the link again I have mentioned in description only, kindly check the description and do prepare for the CMAT very well so that you can secure one seat in the best MBA colleges because life mein MBA ek hi baar karna hai. All the very best. Thank you.